अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैर से होंगे। मैं आपका भाई माज जमशेद, आप मेरा देख रहे हैं चैनल माज जमशेद व्लॉग। तो इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आया था ज़मीनों पे दोबारा, आज फिर पानी लग रहा है। तो शाम का टाइम है, तकरीबन 3 बज रहे हैं और सूरज ग्रुप होने वाला है तकरीबन, क्योंकि सर्दियाँ हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं, देखें जो हमने उगाई थी ना कनक, तो आज वो उगना शुरू, माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन हो गई हर चीज़। तो यहाँ आज पानी, आज दूसरी ज़मीन पे पानी लगाएंगे। उस दिन इस वाली ज़मीन पे सारी पे लगाया था, तो आज दूसरी ज़मीन पे लगाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, आज मैं कपड़े भी लेके आया हूँ अपने साथ कच्चा, ताकि मैं नहा लूँ, क्योंकि मैं नहाने लगा था घर, लेकिन अब फिर मैंने कहा यार यहीं आके नहा लेता हूँ, यहाँ पर माहौल भी देख लूँगा और काम शाम भी देख लूँगा कैसा चल रहा। तो बस अभी आया था, अब जाते हैं आगे, देखते हैं क्या हालात हैं। और ये देखें बेचा बकरियाँ, बच्ची बकरियों को लेके बैठ के, छोटी सी बच्ची। और यहाँ है अपना, हाँ तो ये खड़ा अपना ट्रैक्टर, और ये रहे नींबू के खेत। तो अभी आगे वाले खेतों में लग रहा है पानी, जो सरसों के दिखाए थे ना अभी मैंने आपको। तो ये रहे हमारे सरसों के बाग, ये देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये जो फूल, पीले पीले फूल आ जाते हैं ना इन पे, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारे हमारा, ये सरसों का जो है, क्या नाम है, खेत है, गर्म सरसों का ही है। तो अभी जाते हैं नहाते हैं, कपड़े चपड़े चेंज करते हैं, चेंज करके फिर आपसे नहाते हैं, दिखाता हूँ। चल रहा है पानी, ये रहा कुआं। ये कुआं ना मैंने पूछा था, वो कह रहे थे तकरीबन 80 फुट गहरा है ये कुआं, 80 फुट। ओए होए होए, 80 फुट पड़ती पे। देखिए अभी मैं कपड़े चेंज करने लगा, आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये देखे, तो अभी मैंने कपड़े छपड़े चेंज कर लिए और अभी मैं जाने लगा हूँ नहाने। मेरा कैमरा मैन मेरे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि मैं डुबकी लगाता हूँ। ये देखे चले आए, चल रहा था पानी बहुत ठंडा है और सर्दी लग रही है जहाँ पे। हमारे पास ना चाय बन रही है, चाय बना रहे हैं यहाँ पे, हम चाय रेडी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये डब्बा है, एक ही कप है, तो अभी ना हमने इसमें ना एक डब्बा लेंगे, तो इसी के अंदर चाय डाल के पियेंगे, इसे धोएंगे, धो के ना इसी में, आपका भाई इसमें चाय पिएगा इस डब्बे में। तो अभी डालेंगे चाय डब्बे में, बाबा थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर और पार्टी, थोड़ी देर और पार्टी, वाह 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 वाह। ओए ओए, तो अभी हम पियेंगे डब्बे में चाय, ठीक है। तो अभी मैं आया हुआ था साइड वाली ज़मीन पे, तो यहाँ ना थोड़ी धूप आ रही है और ये बनियान है गीला, तो मैंने इसलिए कमीज नहीं पहनी। मैंने कहा थोड़ा बनियान खुश्क हो जाए, थोड़ी धूप शूप भी लग जाएगी और सर्दी भी बहुत है। तो उसके साथ चाय मैंने डाल ली है इस कप में, इसमें टी मैक का डब्बा है जिसमें दूध लाए थे ना, तो प्याला कप हमारे पास एक ही था, तो मैंने चाय इसमें डलवा लिया, तो इसमें पीने का अपने मज़ा आएगा, क्योंकि यार मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ है तो नहीं, चेक करते हैं चाय कैसी हो रही। हाँ, मज़ा आ गया नहाने के बाद, और इतनी ठंड में अगर चाय मिल जाए ना खाने के बाद, मतलब नहाने के बाद ठंड में चाय मिल जाए तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो वही हल्की हल्की धूप लग रही है मुझे, शाम का टाइम है, बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा है, और इसी के साथ मैं पी रहा हूँ चाय।
तो फिर घास की तरह निकल आई है जो गंदम हमने उगाई थी। ये देखें, ये देखें ना, ये बच्चा पकड़ के बैठा है, बकरी के बच्चे ना, कितने प्यारे क्यूट से बच्चे हैं बकरी के। ये देखें, ये कितना प्यारा। मैं ना असल में गीला हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसलिए पकड़ नहीं रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ गीला ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। छोड़ दो छोड़ दो, बेचारे छोड़ो, इधर रखो, इधर इधर रखो, इधर इधर रखो, बस 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 बस। ये ना अपनी मम्मा के पास भाग रहा है, बड़ा तेज है, बस जाने दो। ओ जा रहा है, काम शाम ख़त्म हो गया है, पानी खानी लग गया है, और यहाँ से उतार रहे हैं, चक्का शक्का उतार रहे हैं सारा यहाँ से ना। ये देखें, ये उतार लिया है, और अभी इसको भी खोलेंगे, इस चक्के को भी खोलेंगे रेंच वगैरह के साथ, और पट्टे शट्टे को उतारेंगे। हाँ भाई, ये काबले शाह भाई, ये निकाल के ना बस फिर वापस चलते हैं अभी घर, और फिर मैं आपको मिलता हूँ घर जा कर। ये देखें पानी कितना साफ है, अंदर सारी ईंटें शीटें जो सारा कुछ है ना नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी बस घर चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब। ट्रैक्टर मैं चला के जाऊँगा आज, ये भाई चला जाए। वो तू मोटरसाइकिल से लगा, मुझे ट्रैक्टर में घिन वैसा मार पड़े। नहीं नहीं, मैं को आंदे मैं उठाई मारना पैसे के। अच्छा बस छोड़ कुछ हट गिन। चक्का शक्का खोल लिया है, अभी इसको चढ़ाएंगे चक्के को, आप सॉरी चढ़ाएंगे ट्रैक्टर पे। ओए गियर काट सा, गियर काट। मैं चला रहा हूँ ट्रैक्टर, आपका भाई चला रहा है ट्रैक्टर। हट जाओ भाई, आगे हट जाओ, ठुक ठुक किया तो मुझे ना कहना। ट्रैक्टर मैं ले आया हूँ रोड पे, और सामने देखें यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, आप देखें। मोदी के साथ बस चलते हैं अभी घर। The next day. अच्छा तो भाई फाइनली आज ना मोबाइल का पैनल चेंज करना है, तो वो ना मुझे लड़का बुला रहा था हसन, जो मोबाइल रिपेयर शॉप पे होता है मेरा दोस्त, तो वो मुझे बुला रहा था, वो कह रहा था कि आप आके ना चेक कर लें कि पैनल सही है कि कैसे है। चेक करने के लिए बुलाया, अभी डाल भी देगा, एक घंटे में डल जाएगा, तो अभी चेक करते हैं जाके पैनल, मोबाइल को ठीक कराते हैं यार, बहुत से काम रुके हुए हैं उसमें, मेरा बहुत सा डाटा तो भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं, ठीक हैं आप? हाँ, ये पैनल है जी, ये भाई ने भी चेंज करके दे रहे हैं, ब्लैक कलर में नहीं मिला है। हसन भाई ठीक कर रहे हैं अपना मोबाइल, तो अभी ना बस चेक कर रहे हैं कि कैसा पैनल डालना है, तो उसके बाद देख। पैनल डालने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं घर आ जाता हूँ, फिर आधा घंटा फोन बैठे वहाँ पे, तो आधे घंटे का टाइम था, अभी वो पैनल शैनल डाल रहे, तो अभी मैं घर आया था, तो ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे घर आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, खा लो, इधर इधर भाईजान इधर। ओए ओए, वो चावल है, पेट ख़राब हो जाएगा। इधर ये चावल खा रहे हैं, यहाँ पे चावल रखे हुए हैं तोतों वगैरह के लिए, चिड़ियों के लिए। ये देख, चल यहाँ पे खा, गंदा चावल नहीं खाने, ख़राब हो जाएंगे, पेट ख़राब हो जाएगा। अभी पीछे पड़ गए कि मैंने खाने तो चावल ही खाने। अच्छा तो भाइयों, ये जो हमने रेस्क्यू की थी, ये जो बाज या जो भी है ये रेस्क्यू किया था, तो अभी ये देखें ये बैठा है, ये अचानक अटैक करता है एकदम ना, अभी खोला मैंने ये, अभी थोड़ा बीमार सा हो रहा है, बीमार नहीं मैं डरा हुआ है थोड़ा सा ना। ये देखें, ये आया छिकरा, दर्दी की वीडियो बना रहा उसे छेड़ छेड़ के लाना तो यार बात। ये देखें ये बाज, ये खड़ा है, कैसे इसकी
ये देखें, ये देखें ये कैसे आता है एकदम। तो ये अभी ना थोड़ा रेस्क्यू किया है, इसके ना कोई टांग का मसला है, अभी पहले से ना काफ़ी बेहतर है। तो बस अभी मैं थोड़ा काम शाम करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो अभी मैं तोतों की भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो तोते हैं ना, ये आजकल ना पिंजरे में अपने ना उसमें बॉक्स में जाना शुरू हो गए हैं। पहले ये नहीं जाते थे बॉक्स में, ये अब बॉक्स में जाते हैं। पहले ना डरते थे ये बॉक्स में जाने से, और लेकिन ना अब ये जाने लग गए हैं बॉक्स में। और मेरी जो चिड़ियाँ हैं उन्होंने भी अंडों पे अंडे मतलब बच्चे शच्चे निकाल लिए हैं। पहुँच गए हैं मोबाइल वाली दुकान पे, और यहाँ से लेंगे अपना मोबाइल। यहाँ से ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा टेप शेप उतार रहा है, पैनल लगा दिए इसने, बस अभी लेते हैं इससे मोबाइल, चेक करते हैं क्या हिसाब किताब। मोबाइल हो गया अपना रेडी, दिखा बैटरी लो है। कैमरा साफ किया था इसका फ्रंट, बैटरी चार्ज नहीं की। बस चेक करते हैं मोबाइल को चला के, न्यू लिया है एक वेब नाइन है ये। ये अंदाज से कितने का होगा, कितने का होगा, कौन सा है? ओप्पो फिनिक्स। हेलो दोस्तों, तो फिर मैं आ गया था वहाँ से वापस, मोबाइल शोबाइल ठीक करा लिया था। उसके बाद मैं आते हैं ज़मीनों पर अपनी, और सामने देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार सूरज का। ये अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें यार कितना रेड रेड सूरज चमक रहा है, ये देखें आप। ओए होए होए होए। तो बस मैं आ गया था फिर ज़मीनों पे, और अभी मैं जाता हूँ, शाम का भी टाइम है, सूरज भी ग्रुप है, वो कपड़ा उतारने आ रहे हैं। अवेश मेरे साथ है आज, मेरी हेल्प कराने के लिए आए थे। मैं उठा के ले आया था बेचारा, अपनी दुकान पे था। तो बस ये मैं कपड़ा लेके आया हूँ, इस कपड़े को ना हमने डंडियों पे बांधना है, ताकि जो उगरी है ना कनक थोड़ी बहुत जो छोटा छोटा भी है, तो उस पे ना कहीं ये जो होते हैं ना क्या नाम है चील कवे और ये चिड़ियाँ वगैरह जो उखाड़ लेती हैं ना, तो उसके लिए मैं ये कपड़ा लाया हूँ। इस कपड़े को ना हम बांधेंगे टहनियों पर, टहनियों पर बांध के, और इसके बीच में ना जगह जगह लगा देंगे, ताकि कवे और चिड़ियाँ वगैरह जो है ना फसल को तबाह ना करें। तो बस अभी करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हम लगाते हैं ये सारा प्रोसेस, कैसे सर अंजाम देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, पानी लगाने के बाद कनक कितनी सब्ज़ और कितनी निकल आई है बाहर, कितनी सारी। अभी ये और भी निकलेगी, अभी जो ज़मीन के अंदर जो छोटी छोटी कनक पड़ी है वो भी अभी फूटेगी दोबारा से ना। देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो करते हैं अपना काम शुरू, पहले तोड़ेंगे टहनियाँ, टहनियाँ वहाँ से तोड़ेंगे यार, खगलों की। किसकी तोड़ें, सफ़ेदे की तोड़ें, तोड़ेंगे इसकी टहनी एक एक, ये तोड़ेंगे छोटी वाली टहनी, ये इसको तोड़े, इसको ये अभी गीली है यार, ये नहीं टूटेंगी, इसको ना वापस से लगा देंगे यहाँ पे। ये वापस लगा दिया, और आगे से देखते हैं कोई ना सूखी टहनियाँ देखेंगे यार जो टूट भी जाएं आराम से। देर भी हो रही है, जल्दी जल्दी काम करना है, और जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करते हैं अपने, जल्दी जल्दी लगाते हैं अभी, टाइम भी नहीं। अबू ने सुबह का मुझे बोला है, और मैं अभी कर रहा हूँ काम। ये तोड़ेंगे टहनियाँ, ये देख रहे इसको जैसे तोड़ लिया, एक ये तो लंबी लंबी तोड़ेंगे ताकि लगा सके थोड़ा ऊपर करके ना। इसको फेंकेंगे साइड, ये गीली है थोड़ी सी, ये एक ये तोड़ ली है, एक ये तोड़ ली है, और एक ये है, दो तीन और तोड़ेंगे। हाल है, स्प्रे कर रहे हो? सही है, और भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं अच्छा, कपड़ा लेने वाते हैं कुछ चिड़ियाँ चिड़ियाँ वास्ते। अभी इनके ऊपर बांधेंगे कपड़ा, और इन्हें लगाएंगे हम यहाँ पर। तो अभी इसके ऊपर बांधेंगे कपड़ा यहाँ पर, इसके ना टहनी थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी सी तोड़ लेंगे, ताकि वो ना कच्ची वाली ना हो। तो इसके ऊपर यहाँ पहले बांधेंगे इधर,
ये कपड़ा ये एक बन गया है। अभी से ये होगा जब हवा चलेगी ना, ये इस तरह हिलेगा, और जब ये हिलेगा तो फिर चिड़िया वगैरह उड़ जाएंगी। तो इसे लगता है और बनाएंगे, तो इसको भी बनाएंगे। इसको भी इसी तरह लगाएंगे। हमने ये बना लिए, एक ये और एक यहाँ रखी हुई है मैंने, तो इनको हम अभी लगाएंगे जाके आगे। तो बस अभी जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लगाते हैं। एक हमने वहाँ लगा दिया है, वैसे दिखा, एक वहाँ लगा दिया है, और बाकी हम लगाएंगे आगे इसी तरह जगह जगह लगा देंगे, ताकि ना इसको सही तरह लगा दिया है यहाँ पे, और इसी तरह दूसरे भी लगा देंगे जगह जगह। और ये आखिरी झंडा हम यहाँ गाड़ेंगे। ज़िंदगी में तो हमने कोई झंडा नहीं गाड़ा, तो हमने सोचा कि इधर हम यहाँ ज़मीनों पे आके झंडे गाड़ दें, तो हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी झंडा यहाँ गाड़ने लगे हैं। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो भाइयों, अपनी ज़िंदगी के झंडे गड़ गए हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक झंडा था, इसे भी हमने गाड़ दिया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए अच्छे कंटेंट के साथ। तो इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।